मैं यतिवारी कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में आषाढ़ मास की पूर्णिमा यानी कि गुरु पूर्णिमा के बारे में बात करूंगा। इस वीडियो में यह बताऊंगा कि गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है, गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, गुरु में क्या गुण होने चाहिए और शिष्य कैसा होना चाहिए, और भी अनेक जानकारी और कुछ ऐसे काम जो गुरु पूर्णिमा को करने चाहिए यह मैं बताऊंगा। अगर आप धार्मिक व्यक्ति है और गुरु भक्त है तो मेरा यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको शुरू से अंत तक यह जो वीडियो है पूरा बहुत ध्यान से देखें, सुने और समझे, शायद आपको जीवन में एक नया अच्छा मार्ग मिल जाए। इस वीडियो को देखने के बाद में अगर वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव अवश्य लिखें। तो शुरू करता हूं आज गुरु पूर्णिमा की बात को लेकर। गुरु पूर्णिमा इस साल में 13 जुलाई 2022 को होगी, मनाई जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं अपने मन की कुछ बात कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि जैसे ही कोई मेरा नया वीडियो पोस्ट करता हूं तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा अगर आप गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे से गुरु पूर्णिमा से संबंधित संपर्क करना चाहते हैं फोन पर तो मेरा नंबर 9462575291 है, जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये दिन में 11 बजे से 1 बजे तक खुला रहेगा और आप मेरे से सीधा गुरु पूर्णिमा के संबंध में बातचीत कर सकते हैं। भारत के धार्मिक पर्वों में से एक पर्व गुरु पूर्णिमा का पर्व लगभग पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, या ऐसा कहे कि भारतीय संस्कृति में गुरु का बहुत ऊंचा और आदर का स्थान है। इसलिए इसके महत्व को समझने और गुरु का सम्मान करने के लिए गुरु के जितने भी शिष्य होते हैं वो सब मिलकर इस पर्व का आयोजन करते हैं। माता पिता के समान गुरु का भी आदर रहा है और वे शुरू से ही पूज्य समझे जाते हैं। गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश के समान समझकर सम्मान की पद्धति है वह बहुत पुरानी है। आचार्य देवो भव का स्पष्ट अनुदेश भारत की पुनीत पावन परंपरा है और वेद आदि ग्रंथों का अनुपम आदेश है, और ऐसी मान्यता है कि आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी के बाद में सभी देवी देवता 4 मास के लिए सो जाते हैं। इसलिए देवशयनी एकादशी के बाद में पथ प्रदर्शक गुरु की शरण में 4 महीने तक जाना आवश्यक होता है। परमात्मा की ओर संकेत करने वाले आध्यात्मिक रूप से भगवान के रूप गुण महत्व को बताकर परमात्मा से एकाकार करवाने वाले या परमात्मा तक कैसे पहुंचा जा सकता है यह रहस्य इन 4 महीनों में बताने वाले गुरु ही होते हैं। गुरु एक तरह का अज्ञानता को मिटाकर ज्ञान के पथ पर ले जाने वाले या अज्ञानी मनुष्य को परमात्मा से जोड़ने वाले बांध की तरह होते हैं, जो परमात्मा और संसार के बीच में शिष्य और भगवान के बीच में सेतु का काम करते हैं। ऐसे विद्वान गुरुओं की छत्र छाया में से निकलने वाले जगत प्रसिद्ध उनके शिष्य बहुत प्रसिद्ध नाम रहे हैं। पुराने नाम में अगर देखें तो शिष्य कपिल, कणाद, गौतम स्वामी, पाणिनि आदि अनेक विद्या वैभव के लिए आज भी संसार में प्रसिद्ध है। गुरुओं के शांत पवित्र स्थान या फिर आश्रम में बैठकर अध्ययन करने वाले शिष्यों की बुद्धि भी निर्मल, स्पष्ट, परोपकारी और सदा गुरु भक्ति में लीन हुआ करती है। सादा जीवन, उच्च विचार गुरुजनों का मूल मंत्र होता है। तप और त्याग ही उनका पवित्र ध्येय होता है। लोक हित के लिए अपने जीवन का बलिदान देना और शिक्षा ही उनका जीवन आदर्श हुआ करता है।
प्राचीन काल में गुरु ही शिष्य को सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों तरह का ज्ञान देते थे, लेकिन आज वक्त बदल गया है। आजकल विद्यार्थियों को व्यवहारिक शिक्षा देने वाले शिक्षक और लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले गुरु कहा जाता है। किसी भी इंसान के जीवन में शिक्षक कई हो सकते हैं, लेकिन गुरु एक ही होते हैं और हर इंसान, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, जीवन में एक गुरु उनको अवश्य बनाना चाहिए और सदैव उनके आशीर्वाद भी ग्रहण करने चाहिए। गुरु बनाने के मामले में एक भूल जीवन को नरक बना सकती है और एक समझबूझ भरा निर्णय आपको जीवन में सभी दुखों से मुक्त भी करवा सकता है। इसलिए गुरु बनाने से पहले सोच विचार करना और गुरु की जीवन शैली और उनका ज्ञान का अध्ययन करके ही संपूर्ण जीवन उनके कदमों में न्योछावर करना चाहिए। वर्तमान काल में गुरु का जो है, आजकल देख रहे हैं कि अर्थ क्या हो गया है, वो थोड़ा थोड़ा नहीं पूरा ही लगभग बदल गया है। वर्तमान काल में अगर देखें तो गुरु वही सिद्ध, साधक, सफल, श्रेष्ठ माना जाता है जिनका शानदार, बड़ा, वैभवशाली, सभी सुख सुविधाओं से युक्त आश्रम हो। यह जो सुख सुविधाओं के आश्रम में रहकर सुख भोगने वाले गुरु होते हैं, वह गुरु आजकल ही होते हैं, वरना जो असली ज्ञानवान गुरु, जो गुरु होते हैं, उनके पास में ज्ञान है, गुण है, संयम है, भक्ति की शक्ति है, संतोष है और सादा जीवन है। ऐसे विद्वान गुरु को किसी भी तरह की भौतिक सुख सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होती है। उनको तो ज्ञान में ही वैभव, उनके तो ज्ञान में ही वैभवता झलकती है, ज्ञान में ही उनके प्रकाश होता है और उस महाज्ञानी गुरु को ही अपना गुरु मानना चाहिए जो अपना खुद का जीवन वैभवशाली आश्रमों से अलग और सादा जीवन जी रहे हों। इसलिए भले ही गुरु की सीख और शिक्षा कठिनाइयों से भरी हो और कड़वी हो, लेकिन उनको भी अमृत समझकर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यही सीख और उपदेश या उपदेश के माध्यम से दी गई शिक्षा जीवन में हर समय रक्षण करने वाली और आध्यात्मिक स्तर को ऊंचाई तक ले जाने वाली होती है। विलासिता में लिप्त गुरु को अपना समझने की और शिक्षा लेने की गलती जीवन को अंधकार में धकेल सकती है। यह शिष्य समझने के अपने धर्म और अपना श्रेष्ठ गुरु चुनने के लिए धोखा खाने जैसी भूल या अज्ञानतावश भ्रमित होकर सांसारिक भंवरजाल में और गहराई में फंसकर भगवान और भक्ति की शक्ति को पाने की अपनी जो मूल भावना और श्रद्धा को खो देने जैसा होता है। अगर शिष्य ये चाहे कि गुरु उसके मन के अनुसार या उसको खुश करने जैसी बातें करें या कहें, तो यह शिष्य की नासमझी है। गुरु कभी भी किसी को खुश करने के लिए बात या शिक्षा नहीं देता, बल्कि वो तो सांसारिक रूप से जो व्यवहारिक और सत्य होता है वही कहते हैं, और शिष्य को भी उनके शब्दों का अनुसरण, वास्तविक ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि गुरु की बात पर शंका करे और उनकी सोच समझ के अनुसार गुरु की बात का खुद ही ना समझी से कोई विश्लेषण निकाले या उनका अर्थ निकाले और खुद ही अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार उस बात का मतलब निकाल ले। शिष्य को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि गुरु ने जो शिक्षा दी है वह उनके जीवन में कभी किसी काम आने वाली नहीं है। ऐसा विचार करने का अर्थ है कि गुरु की शिक्षा पर विश्वास नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ और सीखने आए थे, लेकिन गुरु तो यहाँ कुछ और ही शिक्षा दे रहे हैं। नहीं, ऐसा सोचना आपका गलत होता है। गुरु की हर बात बहुत गहरी और किसी न किसी रहस्य से भरी होती है, जिसका अर्थ कभी कभी उसी समय समझ में नहीं आता है, लेकिन किसी खास बात पर वो सीख समझ आती है। जो कोई सी खास बात समय पर वह जब गुरु की कही हुई बात समझ आती है, याद आती है, तो
मन जो होता है वह गुरु के प्रति श्रद्धा से भर जाता है कि गुरु ने कभी ऐसा कहा था लेकिन उस समय समझ नहीं आया था। जैसे गुरु को पहले ही पता था कि ऐसा अवसर आने वाला है और ऐसा होगा, इसलिए ये शिक्षा दी और आज समझ उस समय समझ में नहीं आया लेकिन अब समझ में आया है कि शिक्षा एक क्षण में समझ आ गई, क्यों कि वह समय आ गया जो गुरु ने आपको शिक्षा एक समय दी थी उस समय समझ नहीं आई लेकिन आज समय अवसर और माहौल ऐसा बना कि आपको वो सब शिक्षा याद आई और आप उसमें से आराम से निकल सके। गुरु को हमेशा बहुत आदर देना चाहिए, गुरु का आदर करना चाहिए, दिल से सम्मान करना चाहिए। जो लोग अपने गुरु का सम्मान करते हैं वो जीवन में कभी पिछड़ते नहीं, कभी किसी से हार नहीं सकते, बल्कि जीवन के सफर में आगे बढ़ने में आ रही बाधाएं अपने आप दूर हो जाती है। इसलिए गुरु अगर आपके घर में आने को तैयार हो या गुरु आपके घर आते हो तो गुरु के पगलिए, इसको घर में आने को पगलिया करवाना बोलते हैं, उनके चरण चिन्ह किसी सफेद कपड़े पर आदि पर लेकर के उनको जो शिष्य है वह संभाल कर रखें, तो ऐसा समझना चाहिए कि गुरु स्वयं आपके घर में मौजूद है। वह जो चरण पादुकाएं का चिन्ह लिया वह गुरु का खुद का वहां मौजूदगी का एहसास करवाएगा आपको, और अगर कभी कोई मुसीबत होती है आप उनका पूजन करते हैं तो वह जो मुसीबत होती है वह तलवार की घात जितनी भयंकर क्यों न हो लेकिन वह सुई की घात बनकर टल जाती है। गुरु जो भी बात कहते हैं उनको हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए, उनकी हर बात को आदेश मानकर स्वीकार करना चाहिए। गुरु की बात की अनदेखी करने वाले कभी सफल जीवन नहीं जी सकते हैं, और जो लोग गुरु की बातों का या गुरु का विरोध करते हैं या गुरु को दुख या तकलीफ देते हैं तो ये साक्षात भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का विरोध करने और अपमान करने जैसी बात होती है। इसलिए गुरु की हमेशा आज्ञा का पालन करना चाहिए, गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए। गुरु का सम्मान करने का मतलब है कि आपने ब्रह्मा विष्णु महेश का सम्मान किया और पूजन करने जैसा फल प्रदान करने वाला फल देता है यह। जो अपने गुरु को शत्रु मानता है या बन जाता है उसकी रक्षा तो फिर कोई देवी देवता भी नहीं कर सकते। ऐसे गुरु द्रोही शिष्य प्रत्यक्ष जीवन में हमेशा अपमान, दुख और दरिद्रता को भोगते हैं। इसलिए गुरु का शास्त्रों में भी कहा गया कि किसी भी हालत में गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए, गुरु से शत्रुता नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको अगर इच्छा नहीं है तो आप उनको, उनकी बातों को, उनके आदेशों को ना माने, लेकिन अपमान और शत्रुता जीवन में कभी ना करें। परिवार में अगर अपमानित होते हैं, समाज और सब जगह वह व्यक्ति अपमानित होता है जो गुरु का शत्रु होता है और गुरु का अपमान करता है, तो उसका मान सम्मान परिवार और समाज में कहीं नहीं होता। अंत में जो केवल पश्चाताप के सिवाय उस इंसान के कुछ और हाथ में नहीं होता है, जो गुरु को, गुरु से शत्रुता करता है, गुरु का अपमान करता है, वह जीवन भर पश्चाताप ही करता रहता है, पश्चाता रहता है। और एक सत्य बात तो यह है कि किसी किसी के जीवन में सच्चे गुरु बहुत कम समय के लिए ही आते हैं और वो अपनी शिक्षा के माध्यम से शिष्य को ज्ञान का दान देकर दुनिया में कहीं खो जाते हैं। और ऐसा कहूँ कि शिष्य अगर गुरु के प्रति समर्पित न हो तो अपने साक्षात भगवान को भी वो खो देता है। और जो शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं और हमेशा उनके सामने समर्पित रहते हैं और उनके द्वारा ज्ञान को ग्रहण करते हैं, तो ऐसे शिष्य से अगर गुरु दूर भी चला जाए तो भी शिष्य हमेशा उनके द्वारा दी गई शिक्षा के माध्यम से अपने गुरु को अपने अंदर जीवित रखता है या हमेशा गुरु को अपने अंदर महसूस करता है। ये शिष्य ऐसे ही जो होते हैं, जो गुरु का आदर सम्मान करते हैं, उनकी जो
शिक्षा है उसको ग्रहण दिल से करते हैं, दिल में रखते हैं, मन में याद रखते हैं, तो जो ऐसे शिष्य होते हैं वह सच्चे शिष्य होते हैं और सच्चे सच्चे शिष्य माने जाते हैं। जो शिष्य गुरु के द्वारा कही बात का मान नहीं रखता और गुरु के आदेशों की अवहेलना करता है, उससे बड़ा पाप और पापी कोई दूसरा हो नहीं सकता, क्योंकि गुरु ने तो पूरा भरोसा अपने शिष्य पर किया, लेकिन शिष्य ही उनके विश्वास को तोड़ रहा होता है। दूसरे शब्दों में अगर कहूँ तो ऐसे शिष्य गुरु के साथ में विश्वासघात करते हैं। ऐसा करते वक्त शिष्य आपको शायद बहुत बुद्धिमान और समझदार अपने आप को मानता होगा और सोचता होगा कि गुरु की बातें बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ऐसा सोचने वाला शिष्य जीवन में ऐसी ठोकर खाता है कि फिर उठने में और संभलने में पूरा जीवन भी कम पड़ता है, और ठोकर खाने के बाद वो यही सोचता रहता है कि गुरु ने पहले ही सावधान करने के लिए जो कहा था, अगर उसी समय ये बात मान ली होती तो आज इतनी बड़ी ठोकर नहीं खानी पड़ती, और जीवन में जो मुसीबत और बाधा आ गई है ऐसी स्थिति का सामना भी नहीं करना पड़ता। इसलिए कहते हैं कि कभी भी गुरु के विश्वास को मत तोड़ो और कभी भी गुरु बनाकर उनके साथ में विश्वासघात मत करो। ये पाप जन्म जन्मांतर तक शिष्य का पीछा नहीं छोड़ता है। ऐसा करने वाला शिष्य इस जन्म और आने वाले न जाने कितने जन्मों का वो अपने लिए पाप कर्म का बंधन बांध लेता है। इसलिए गुरु या तो बनाओ मत, अपनी जैसी सोच हो वैसे जीवन बिताओ, और अगर गुरु को माना है तो फिर उनके आदर्शों को अपनाकर उनके बताए मार्ग पर चलने की कोशिश करें और उनके विश्वास पर हमेशा खरा उतरे। गुरु के साथ धोखेबाजी और विश्वासघात करने से हमेशा बचना चाहिए। गुरु की शरण में जाकर अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करने वाला शिष्य ही भविष्य में गुरु के पद लायक और योग्यताधारी श्रेष्ठ उच्च कोटि का शिष्य बनता है। ऐसे कई उदाहरण हमारे इतिहास में भी दर्ज है, और आज लाखों साल के बाद भी कई शिष्यों को हमेशा श्रद्धा से याद करके पूजा जाता है। तो आप भी ऐसे शिष्य बनो जो सबके सामने एक उदाहरण हो और लोग आपको श्रद्धा से याद करें और मन ही मन में आपको प्रणाम करें और सच्चा गुरु भक्त आपको माने और कहें। हमारे धर्म ग्रंथों में गुरु शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा गया है कि जो शिष्य के कानों में ज्ञान रूपी अमृत का सिंचन करे और धर्म का रहस्योद्घाटन करे वही गुरु है। यह जरूरी नहीं है कि हम किसी व्यक्ति को ही अपना गुरु बनाए। योग दर्शन नामक पुस्तक में भगवान श्री कृष्ण को और जैन धर्म में गौतम स्वामी जी को जगत गुरु कहा गया है, क्योंकि महावीर स्वामी जी को जगत गुरु कहा गया है क्योंकि महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को कर्म योग का उपदेश दिया था, और जैन आगम में भगवान महावीर स्वामी जी ने जो है गौतम स्वामी जी को ज्ञान दिया था, इसलिए भगवान महावीर स्वामी जगत गुरु माने जाते हैं और गौतम स्वामी जो है उनके श्रेष्ठ शिष्यों में से माने जाते हैं। उन्होंने अपने शिष्य महावीर स्वामी जी ने अपने शिष्य गौतम स्वामी जी को जो उपदेश दिया था, और जगत के दुखों कष्टों तकलीफों अज्ञानता के विषय में जानकारी दी थी और बताया था कि नश्वर वस्तुओं का भोग करना ठीक उसी तरह का है जैसे हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होने पर हम किसी और से उधार लेकर अपनी आवश्यकता को पूरा करते हैं, लेकिन समय आने पर वह उधार ली हुई वस्तु हमें वापस भी लौटानी पड़ती है। ऐसे ही संसार में आने के बाद हम जिन भौतिक सुख सुविधाओं का उपयोग करते हैं वह केवल कुछ क्षण सुख देने के लिए होती है। जन्मों जन्मों तक का सुख अगर चाहिए तो वह केवल आत्मा का कल्याण करके ही प्राप्त हो सकता है, और इन सब सांसारिक मोह माया लालच से मुक्ति का उपाय भी बताया है महावीर स्वामी जी ने अपने शिष्य गौतम स्वामी जी को। माता पिता केवल हमारे शरीर की उत्पत्ति के कारण
लेकिन हमारे जीवन को सुसंस्कृत करके सर्वांग सुंदर बनाने का कार्य करते हैं। गुरु या आचार्य भी वैसा ही काम करते हैं जैसे माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं। गुरु पूर्णिमा को शिष्य अपने गुरु के पास में जाते हैं और गुरु को प्रणाम वंदन करते हैं और अपने गुरु के पांव के अंगूठे को या पूरे पांव को दूध और जल से धोकर केसर चंदन की पूजा करते हैं और प्रेम से पुष्प आदि श्रद्धा से चढ़ाते हैं। फिर अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार गुरु को भेंट करते हैं। शिष्य अपने गुरु को वही वस्तु भेंट करे जो गुरु के उपयोग में आती हो, जैसे गुरु के पहनने के कपड़े हैं, वस्त्र है, गुरु के उपयोग में आने वाली कोई और अन्य वस्तु है जो उनके धर्म के चिन्ह होते हैं, जैसे कि जैन धर्म में हमारे पास में पात्रा होते हैं और खाने के लिए पात्रा होते हैं और ओगा आदि, यह सब एक प्रतीक चिन्ह होता है। तो इस प्रकार से और भी अनेक सी चीजें होती है जो भेंट दी जा सकती है गुरु को। यह जो भेंट गुरु को करते हैं यह उनके प्रति सम्मान के साथ में शांति पूर्वक गुरु के सामने बैठकर और गुरु के मुख से जो वाणी या वचन सुनने को मिले वो आत्मा से आप ग्रहण करें और हमेशा गुरु वाणी के रूप में उसको याद भी रखें और फिर शांति से गुरु की आज्ञा हो तो गुरु को पुनः वंदन करके वहां से आप प्रस्थान कर सकते हैं। मैं खुद जैन धर्म गुरु हूं और मेरे अपने भी जैनी और अजैनी यानी कि सर्व धर्म के लाखों की संख्या में लोग मेरे शिष्य या भक्त हैं। आज मैं अपने सभी शिष्यों को और मेरे भक्तों को आशीर्वाद देता हूं कि जो मेरे जीवन से प्रभावित होकर मेरे आदर्शों पर चलकर अपने जीवन को सांसारिक मोह माया से मोड़कर धर्म की राह पर चलकर अपने जीवन को संवारने में लगे हैं और समय समय पर मेरे से अपने दुखों और परेशानियों से मुक्त होने के उपाय पूछकर उस पर अमल करते हैं और जीवन को सामान्य बनाकर शांति से अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे सभी मेरे शिष्यों को और भक्तों को मैं जो आज के दिन मेरे यहाँ मतलब जो 13 तारीख को मेरे यहाँ आने वाले हैं और गुरु पूजन में भाग लेने वाले हैं और जो दूर रहते हैं या किसी कारण से मेरे पास नहीं आ पाएंगे, तो ऐसे सभी भक्त जो दूर हैं तो मेरे से फोन पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। 10 बजे से 11 बजे से 1 बजे तक मेरा फोन चालू रहेगा। तो ऐसे मेरे प्रति जो श्रद्धावंत उन सभी शिष्यों को और भक्तों को उनका जीवन सुखद हो, आनंद मंगल से भरा हो, सुख समृद्धियों से भरा हो और शांति पूर्ण जीवन जीते रहे, खूब उन्नति करें, तरक्की करें, सदैव निरोगी रहे और लंबा स्वस्थ जीवन जिए। ऐसे मेरे सच्चे भक्तों और शिष्यों पर सदैव माँ लक्ष्मी जी की कृपा रहे, ये मेरा हार्दिक शुभकामना है और मेरा हार्दिक आशीर्वाद भी ऐसे शिष्यों के लिए है जो यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, दूर रहते हैं, और जो यहाँ पहुँच पा रहे हैं या पहुँचेंगे 13 तारीख को, उन सब के लिए मेरी यह शुभकामना और आशीर्वाद है। इस साल 13 जुलाई को 2022 को गुरु पूर्णिमा है और जो शिष्य मेरे से नहीं संपर्क कर पा रहे हैं वो गुरु पूर्णिमा के बाद में भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं और मैं उनके लिए हमेशा अच्छे के लिए, उनके सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करूंगा। आप सब खूब मस्त रहो और सुखी रहो। प्रभु से मेरी ये प्रार्थना है और मेरा आशीर्वाद है। आज का वीडियो कैसा लगा, आपके दिल को अगर छूने वाला लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और नई जानकारी दूंगा। तब तक जय जिनेंद्र।